हेलो फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून जल्दी जल्दी से आ जाओ आज आइए सब लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं रिवीजन क्लास है आज कंचन जी गीता जी सोनम जी मैम मेरा तो पेपर लिंक लीक हो गया है गुड आफ्टरनून सब लोग आज आइए जल्दी जल्दी से आ जाओ सब जल्दी जल्दी से फिर स्टार्ट करते हैं गुड आफ्टरनून सबको गुड आफ्टरनून पेपर लीक हो गया यूपी टेट का हाँ जी नव्या जी गुड आफ्टरनून आ जाइए सब लोग फिर स्टार्ट करें क्लास को आपने बुलाया और हम चले गुड आफ्टरनून क्या जी हाँ सत्यवती मिश्रा जी बिल्कुल सही बोल रही हैं आप आ जाइए आ जाइए जल्दी जल्दी से अपना रिवीजन करते हैं अच्छे से तैयारी करते हैं बहुत दुख हो रहा है कोई बात नहीं थैंक यू नेहा जी और बताइए आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अच्छा सत्यवती जी क्लास नहीं देख पा रही थी जब टाइम मिले तब देख लीजिएगा आप हाँ जब हम दो तीन तैयारी एक साथ करते हैं तो कुछ ना कुछ तो बीच में छोड़ना ही पड़ता है जी बिल्कुल चलो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आज की क्लास रिवीजन क्लास है आज हम देखेंगे टेक्सटाइल का एक पार्ट एक टॉपिक और देखेंगे हम यहाँ पे मैनेजमेंट का एक टॉपिक तो दो टॉपिक आज कंप्लीट होगा आ जाइए सब लोग शिखा निगम जी गुड आफ्टरनून बहुत अच्छी बात है सत्यवती जी आप भी सब लोग तैयारी करिए भाई किसी ना किसी चीज की तैयारी करते रहना चाहिए हमें यहाँ पे अगर हम बात करें आज की क्लास की तो आज का जो हमारा क्लास है ये रिवीजन क्लास है आज हम दो टॉपिक को कंप्लीट करेंगे पहला तो एक जो है हम देखेंगे टेक्सटाइल का और दूसरा जो देखेंगे वो क्या है मैनेजमेंट का एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे और मैं यहाँ पे बता दू अगर कोई भी बच्चा क्लास को ज्वाइन करना चाहता है आपके क्लियर डाउट यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं टॉपिक समझ आ रहा है तो उसके लिए यहाँ पे एक नंबर दिया गया है इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं सेवन एट नाइन वन जीरो नाइन एट एट फाइव वन इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं अब क्लास को स्टार्ट करते हैं सब लोग आ जाओ मुझे जूनियर निकालना है बस गवर्नमेंट जॉब लेनी है ना तो उसके लिए मेहनत तो देखो सब लोग कर रहे हो अब पेपर लीक हो गया पेपर आउट हो गया तो क्या कर सकते हैं आगे बढ़े स्टार्ट करें क्लास किरण जी गुड आफ्टरनून क्लास और पहले आज हम यहां पे देखेंगे नायलॉन के बारे में नायलॉन के बारे में डिस्कस करेंगे ये जो है टेक्सटाइल का पार्ट है ठीक है टेक्सटाइल का पार्ट है ये और नायलॉन हमें देखना है यहाँ पे नायलॉन के बारे में डिस्कस करेंगे और पूरा का पूरा कंप्लीट क्लास आज हमें देखना है तो बने रहिएगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा का पूरा डाउट क्लियर होगा आपका उसके साथ ही साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास दी जा रही है और समझ भी आएगा सबको अब एक बार कमेंट से हट जाइए और ध्यान सबका कहा होना चाहिए व्हाइट बोर्ड पर नायलॉन की जब भी हम बात कर हैं तो इसके पहली बात तो इसके अदर नेम है बहुत सारे नेम है इसके एलटी का फार्म मैम एलटी कब तक होने की संभावना है पहले तैयारी तो करिए सब सबको वैकेंसी की पड़ी है एग्जाम कब होगा तैयारी तो मुझे नहीं लगता है कि हम हंड्रेड परसेंट कभी तैयार हो पाते हैं तो तैयारी करते रहिए जब भी फॉर्म आएगा जब भी वैकेंसी आ जाएगी आपको सब कुछ पता चलेगा एग्जाम कब होगा ये भी पता चलेगा सब कुछ पता चलेगा बट अपनी प्रिपरेशन जो है हमें रेगुलर रखनी है कंटिन्यू रखनी है ऐसा नहीं कि जब एग्जाम आ जाए एग्जाम डेट फिक्स हो जाए या फिर जब वैकेंसी आ जाए तभी हम तैयारी करें ऐसा नहीं है हमें अपनी तैयारी को रेगुलर रखना है वैकेंसी आई है या नहीं आने वाली है ये सबको पता है एल की टी की पी की सबकी ठीक है पढ़ना हमारा काम बाकी सरकार पर छोड़ देते हैं कंचन जी ठीक है अगर हम बात करते हैं नोएलान की तो यहाँ पर देख लीजिए कितने सारे इसे जाना जाता है जादुई रेशा कहा जाता है मैजिक फाइबर कहा, कहा, कहा जाता है धो और पहनो रेशा कहा जाता है इसे ताप में रेशा कहा जाता है संश्लेषित रेशा कहा जाता है बहुत सारे नाम है और अगर हम बात करते हैं नॉयलान की तो जरा बताइए इसमें फिफ्टी यहाँ पे सेलोलोज होता है या फिर 50% परसेंट केमिकल होता है या फिर 100% परसेंट केमिकल से मिलकर बना होता है ये आपको बताना है इसमें 50% परसेंट या फिर 50% परसेंट आपको बताना है यहाँ पे रासायनिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है या फिर 100% परसेंट केमिकल रासायनिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है नोएलान क्या होगा इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए अब और सारी चीजों को छोड़ देते हैं हम लास्ट में बात करेंगे क्योंकि आप लोग मैम प्राइमरी में टीचर शिखा निगम जी आप क्या कर सकते हैं सात ईयर से छह सौ किलोमीटर दूर पोस्टेड हूं वहां बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है आपको तो फिर हंड्रेड परसेंट केमिकल जी किरण यादव जी गलत है आपका ठीक है फिफ्टी परसेंट और फिफ्टी परसेंट केमिकल का नहीं होता ये पूरा का पूरा क्या होता है हंड्रेड परसेंट केमिकल का बना हुआ होता है ठीक है हंड्रेड परसेंट केमिकल का बना हुआ होता है ये और यहाँ पे अगर हम इसके नेम की बात करते हैं इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं और जो अलग अलग नाम है जी बिल्कुल अवधेश जी सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलती है यहां पे क्लास तो यहां पे हम नाम देख लें पहला नाम क्या है पहले तो हम इसे क्या कहते हैं धो और पहनो रेशा कहते हैं वास एंड वियर कहा जाता है इसमें क्या होता है हमें प्रेस करने की जरूरत नहीं होती है ना ही बहुत ज्यादा अगर दाग लग गया है तो हम कॉटन वगैरह का कपड़ा होता है तो उसमें दाग लग जाता है तो वो जम जाता है उसको छुड़ाने में हमें प्रॉब्लम होती है बट ये जो नायलान का कपड़ा होता है इसमें दाग नहीं लगता है धुलने में हमें प्रॉब्लम नहीं होती है धुलने के साथ साथ हम किसी भी तरीके से इस कपड़े को पहनकर बैठे तो ये एकदम सही रहता है सिकुड़ता नहीं है पेश करने की जरूरत नहीं है सूखता बहुत जल्दी है गंदा नहीं होता है जो नमी है उसे अवशोषित नहीं करता है बहुत सारे इसके क्वालिटी है इसीलिए इसे क्या कहा जाता है मैजिक फाइबर भी कहा जाता है इतनी सारी क्वालिटी एक रेशे में एक फाइबर में और आज की जो आज का जो टाइम है आज की जो जिंदगी है इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है कि सच में इंसान के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो अपने कपड़ों को लेकर डेली इस्त्री करे या फिर बहुत अच्छे तरीके से साफ सफाई तो ये जो है अभी प्रेजेंट के टाइम में नौलान जो है ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो गया है ब्रिजी लाइफ को लेकर क्योंकि इसमें बहुत

रेशा है, संश्लेषित रेशा है तीसरा इसे हम क्या कहते हैं मैजिक फाइबर मतलब जादुई रेशा कहते हैं इसे हम जादुई रेशा कहते हैं वास वियर कहते हैं धो और पहनो रेशा कहते हैं धो और पहनो इसके साथ ही साथ जीवन सुगम में रेशा कहते हैं इसे हम जीवन सुगम्य रेशा सुगम में रेशा भी इसे हम कहते हैं मैजिक फाइबर इजी लाइफ फैब्रिक भी इसे कहते हैं इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो हमें देखना है जो नायलान होता है ये क्या है हंड्रेड परसेंट केमिकल से मिलकर बना हुआ होता है इसमें प्रकृति की कोई भी चीज मिक्स नहीं होती है तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है और यहाँ पे जब भी हम देखेंगे हंड्रेड केमिकल के तो आपको बता देना है यहाँ पे किससे बनाया गया इसकी जो धागे की लंबाई होगी वो हमारे हमारे ऊपर डिपेंड होगी कि हमें कितना लंबा धागा करना है और इसी में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सात से आठ गुना किस रेसे को खींचा जा सकता है ये क्वेश्चन भी पूछा गया है तो अभी जब आप प्रोसेस देखेंगे उसमें देखेंगे कि ये जो फाइबर है नायलान का जो फाइबर होता है इसे मशीन के द्वारा सात से आठ गुना तक खींच लंबा किया जाता है पतला किया जाता है तो ये सारे पॉइंट हमें आज देखने हैं क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस रेशे को हम खींचकर सात से आठ गुना तक लंबा या फिर पतला कर सकते हैं पॉलीमराइजेशन किया जाता है हां जी सिखा निगम जी पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया इस पर करवाई जाती है अभी हम सारे पॉइंट को देखेंगे पहले तो हमने नाम को देख लिया नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है तो नाम क्लियर हुआ सबको क्लियर हुआ नाम नाम क्लियर हुआ आगे बढ़ेंगे यहाँ पे अगर हम कृत्रिम फाइबर को देखें ठीक है यहाँ पे प्राकृतिक रेशे को ले लेते हैं प्राकृतिक फाइबर को ले लेते हैं और कृत्रिम रेशे को ले, ले लेते हैं या फिर संश्लेषित रासायनिक रेशे को हम यहाँ पे ले लेते हैं क्या लेना हमें संश्लेषित रासायनिक रेशा लेना है रासायनिक रेशा लेना है अब जब हम यहाँ पे इसके संगठन की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है सी एच ओ ठीक है सी एच हो इसमें हम देखेंगे जो इसके तत्व होते हैं इनमें क्या होता है गैप होता है बीच बीच में जगह होती है इनके जो अणु होते हैं जो तत्व होते हैं वो दूर दूर होते हैं इसीलिए जितने भी प्राकृतिक फाइबर होते हैं वो गंदगी को नमी को अवशोषित करने का काम करते हैं ये जो होगा जितना प्राकृतिक फाइबर है चाहे वो कॉटन को ले लो लिनन को ले लो ये क्या होते हैं गंदे जल्दी से होते हैं नमी को अवशोषित करने का काम करते हैं बट जब हम संश्लेषित रेशे की बात करते हैं तो इसमें क्या कराया जाता है पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होता है पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस क्या होता है इसमें होता क्या है तो आपको बताना है इसके जो तंतु होते हैं इसके जो अणु होते हैं वो एक श्रृंखला में होते हैं श्रृंखलाबद्ध होते हैं और इनके बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं होती है इसीलिए जो संश्लेषित रेशे हैं खासकर बात करें हम नायलॉन की तो इसमें धूल मिट्टी गंदगी पानी अवशोषित करने के जगह नहीं है इसमें देख रहे हैं आप ये क्या होगा लीनियर फॉर्म में होता है ऐसे ऐसे जुड़े होते हैं इनके अड़ुओं के बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं होती है तो ना ही ये नमी को अवशोषित करते हैं ना ही इनके अंदर धूल मिट्टी गंदगी आ पाती है क्योंकि इनके अड़ुओं के बीच में जगह ही नहीं होती है इसीलिए ना तो ये गंदा होता है इस कपड़े को हम धुलते हैं तो बहुत जल्दी सूख भी जाता है यही रीजन है क्या करवाया जाता है इस पे पॉलीमराइजेशन की क्रिया करवाई जाती है पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है जो तत्व तो है उनको लीनियर फॉर्म में सेट कर दिया जाता है मतलब इनके जो तत्व तो होंगे अणु होंगे इनके बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं होगी श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं जबकि जब हम प्राकृतिक जगत के फाइबर की बात करते हैं तो इनके जो अणु होते हैं वो लीनियर फॉर्म में नहीं होते हैं दूर दूर होते हैं इसी वजह से जो प्राकृतिक जगत के रेशे होते हैं वो गंदे होते हैं वो औषध करते हैं क्या नमी को मैम पहले से बहुत अच्छा पढ़ाने लग गई है थैंक यू थैंक यू आप सबको क्लियर हुआ इतने पॉइंट क्लियर हुए थैंक यू थैंक यू जी सबको मैं अच्छा पढ़ा रही हूं तो आप लोग रिस्पांस दीजिए ठीक है और जितने पेड़ बच्चे हैं मैं उनसे बोलना चाहूंगी कि जितना मैंने पढ़ा दिया है आप लोग अगर अच्छे से पढ़े होंगे उसको लर्न किए होंगे समझे होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं से आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छूट जाती हैं तो छूटी हुई चीज़ें आपको खुद से ध्यान रखना पड़ेगा और खुद से भी इफ़र्ट लगाना चाहिए हमें पूरा का पूरा टीचर पे ही डिपेंड नहीं होना चाहिए हमें जहां से कुछ नया चीज़ सीखने को मिल रहा है उसे हमें सीख लेना चाहिए हमेशा ठीक है आगे बढ़े मैम आज काफी दिनों में दिखी है हेमलता जी मैं डेली क्लास लेती हूं शायद आप बहुत दिन के बाद आई होंगी ठीक है यहां पे हम बात करें अगर नायलॉन की तो नायलॉन सबसे पहले कहां पे बना ये आंसर बताइए आप बताइए बताइए आप लोग जो नायलान है सबसे पहले ये कहां पे बना कहा पे बनाया गया और किसके द्वारा बनाया गया नायलान का जो फाइबर है जो रेसा है ये सबसे पहले इसका निर्माण कहाँ पे हुआ अमेरिका में हुआ इंडिया में हुआ रूस में हुआ कहां पे हुआ ये बताना है शिखा निगम जी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ गया है सबसे पहले ये कहां बनाया गया अमेरिका में बनाया गया ठीक है अमेरिका में हाँ जी अमेरिका में बना अच्छा आप लोग एक आंसर और बता दीजिए बीसवीं सदी का चमत्कार किस रेशे को कहते हैं बीसवीं शताब्दी का चमत्कार किस रेशे को कहते हैं <coughs> नायलॉन को हाँ जी बिल्कुल आपको बताना है ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बीसवीं शताब्दी का चमत्कार किस रेशे को कहते हैं तो आपको बता देना है नायलॉन को कहते हैं ठीक है और नायलॉन की उत्पत्ति या फिर इसको इसका निर्माण कहां पे किया गया सबसे पहले बनाया कहा गया तो आपको बता देना है अमेरिका में बनाया गया और ये जितनी क्वालिटी होनी चाहिए रेशे में सारी की सारी क्वालिटी किस नायलॉन में तो नायलॉन ना ना एक ऐसा रेशा है ऐसा फाइबर है जिसमें जो रेशे की क्वालिटी होती है सारी की सारी क्वालिटी मौजूद है चाहे वो मजबूती को ले लीजिए टिकाऊपन को ले लीजिए प्रत्यास्थता को ले लीजिए प्रतिस्कंदता को ले लीजिए आप चमक ले लीजिए सारे के सारे गुड़ किसमें मौजूद हैं तो आपको बता देना है नायलॉन नायलन एक ऐसा फाइबर है जिसमें सारे के सारे गुड़ मौजूद हैं इलासिटी भी है रेसिलेंसी भी है मजबूती भी है टिकाऊपन भी है साथ ही साथ हमें इसके लिए मेहनत भी नहीं करना पड़ता इसकी देखभाल भी ज्यादा नहीं करनी होती है तो सारे के सारे गुड़ किसमें है नायलान में उपस्थित है अगला पॉइंट देखेंगे नायलान के बारे में अगर हम डिस्कस करें नायलान की खोज के बारे में तो अभी आपने देखा नायलान की खोज कहां हुई तो आपको बताना है अमेरिका में की गई बट अमेरिका में किसके द्वारा की गई तो आपको बताना है डॉक्टर वेलेस कैरोथर्स ठीक है डॉक्टर यहां पे किसका नाम आता है वेलेस कैरोथर्स ये एक अमेरिका के रसायन शास्त्री थे जो एक कंपनी में कार्य करते थे इनके मन में क्या आया इनको जानने की बड़ी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के बारे में जानने की थी। और जब इन्होंने सारा का सारा प्रोसेस अपनाया तो क्या बन गया ये नायलान रेशा बनकर उत्पन्न हुआ या बन गया इसका निर्माण किया गया डॉक्टर वेलिस एक रसायन शास्त्री थे कहा के अमेरिक का के और इनके मन में एक विचार आया कि जो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है उसके बारे में जानने के लिए बहुत ही ज्यादा इच्छुक थे और इन्होंने क्या किया अणुओं को सटाने का या फिर पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया ये कहाँ पे कार्य करते थे तो आपको बताना है ईआई पोंट नामक एक कंपनी में ये कार्यरत थे वहां के रसायन शास्त्री के कार्य पर ये कार्य करते थे तो आपको क्या बताना है ये जो है इनके अगर फादर का नाम पूछा जाए नायलान के फादर का नाम तो आपको डॉक्टर वेलेस करोथर्स बताना है और ये है क्या थे क्या तो आपको क्या बताना है एक रसायन शास्त्री थे और इनके मन में एक विचार आया एक आइडिया आया कि जो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है उस चीज को जानने के लिए जब इन्होंने स्टार्ट किया अपनी जिज्ञासा पूरी करने की कोशिश की तो उस दौरान क्या बन गया ये नायलान का रेशा बनकर तैयार हुआ अब इसमें हमें देखना है कि इसमें क्या क्या मिक्स किया गया था कौन कौन से रसायनों को यूज करके बनाया गया था पहले इसका नाम कुछ और था बाद में इसका नाम कुछ और पड़ा ये सारी चीजें हमें देखनी है क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है जी बिल्कुल क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है ऐसा नहीं है और ना ही ये बोल सकते हैं कि कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है या नहीं सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें देखना है रॉ मटेरियल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है ना आप सबने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया होगा तो टेक्सटाइल से क्वेश्चन बनता है रॉ मटेरियल का और अब हम देखेंगे नायलॉन के रॉ मटेरियल के बारे में डिस्कस करते हैं इसमें क्या है हेक्सा मिथिलिन डाई एमीन प्लस एडिपिक एसिड ये दो रसायन लिए गए ये दो केमिकल का यूज किया गया हेक्सा मिथिलीन डाईमिन और एडिबिक एसिड इसमें क्या थे कार्बन के छे छे अणु थे ठीक है में भी कार्बन के सिक्स अणु को देखा गया मिलाया गया और हिस्सा जो है इसमें भी क्या था कार्बन के छह अणुओं को मिलाया गया पॉलीमर को देखा गया पॉलीमर को मिलाया गया इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया तो आपको बताना है इसका नाम नाइलॉन सिक्स सिक्स या फिर सिक्सटी सिक्स भी इसे कहते हैं इसका नाम क्या पड़ा नाय ठीक है क्या देखा गया हमें एक जो हेक्सा है इसमें भी कार्बन के छह पॉलीमर को देखा गया पॉलीमर है और जो एटिक एसिड थे इसमें भी कार्बन के छह पॉलीमर को देखा गया तो इसका नाम क्या पड़ गया नायलॉन सिक्सटी सिक्स या फिर नायलॉन सिक्स कोई बात नहीं लेट नहीं हुई है अभी आप फिर से देख लीजिएगा जो पॉइंट छूटा है आपका माधुरी जी नायलॉन सिक्स सिक्स इसका नाम कब पड़ा तो आपको बता देना है इसका नाम 1937 में नायलॉन सिक्स सिक्स पड़ा ठीक है

66, और उन्नीस सौ अड़तीस का नाम दिया गया हाँ जी ओके आगे बढ़ेंगे जितने भी बच्चे क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए अभी न्यू बैच स्टार्ट हुआ है तो प्रॉब्लम भी नहीं होगी आप लोगों को ठीक है हाँ क्लियर यहां तक आगे बढ़े अगर हम बात करें टाइप ऑफ नायलॉन के बारे में टाइप ऑफ नायलॉन से भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको यहाँ पे बताना है नायलॉन के प्रकार कितने हैं पहले इसको देख लेते हैं उसके बाद हम इसके प्रोसेस को देखेंगे कि कैसे इसमें क्या तैयार किया जाता है और क्या कौन कौन से रसायन तत्वों का यूज किया जाता है कैसे इसे छे से सात गुना सात से आठ गुना तक खींचा जाता है किसकी मदद से कौन कौन से तत्व यूज किए गए हैं उसके बाद हम इसके स्टेप इस को देखेंगे हमें सेवन स्टेप इस इसमें पढ़ना होता है ठीक है तो यहां पे हम बात करेंगे पहले के प्रकार की, का जब हम प्रकार देखेंगे, तो प्रकार का, होता है, प्रकार का होता है और यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है पहला क्या होता है मोनो ठीक है पहला क्या है मोनो है दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा मल्टी है तीसरा क्या है स्टेच है है और चौथा क्या है टेक्चर्ड है और पांचवा क्या है स्पन है यह पांच प्रकार का है ठीक है ये क्या है पांच प्रकार का है मोनो मल्टी स्ट्रेच टेक्चर्ड और स्पन यहां पे देखें जो मोनो होता है मोनो का मतलब क्या होता है एक रेशी मल्टी का मतलब क्या होता है बहुरेषीय स्टिच का मतलब क्या है खिंचने वाला टेक्ट का मतलब क्या है इसके बनावट में चेंजिंग करके चेंज करके और स्पन का मतलब क्या होता है टूटा फूटा रेशा ठीक है का मतलब क्या है छोटे छोटे टुकड़ों में रेशे को बांट देना पहले तो नाम का मतलब अगर हम समझ लेते हैं तो भी काफी सारे पॉइंट को हम समझ जाएंगे ठीक है मोनो का मतलब एक रेशे होता है ऐसे रेशे जिसमें किसी भी रेशे का एक रेशा अकेला होता है मल्टी का मतलब तीन से चार रेशों को दो या दो से अधिक रेशों को एक में मिला दिया गया स्टीज का मतलब ऐसा रेशा है जो खींचने पर खींचे तो आपको बता देना है स्टीज का मतलब क्या होता है खींचने वाला टेक्चर का मतलब किसी भी तत्व के किसी भी पदार्थ के बनावट में अंतर करके चेंज करके स्पन का मतलब इसमें छोटे छोटे टुकड़ों को ऐड किया जाता है अब यहाँ पे देखेंगे एक रेशी का मतलब होता है एक धागा यूज किया जाता है ठीक है इसमें क्या करेंगे एक धागा यूज किया जाएगा और मजबूती कैसी होती है तो आपको बता देना है मजबूती बहुत अच्छी होती है मजबूती कैसी होती है अच्छी होती है और आपको बताना है पर तो अगर यहाँ पे हम कंपेयर करें मोनो और मल्टी का तो आपको बताना है मोनो कमजोर होता है मल्टी से मजबूती अच्छी होगी बट कंपेयर टू तो मल्टी से अगर हम कंपेयर करते हैं इसको तो मोनो क्या है कमजोर होता है मल्टी से ये ध्यान रखना है ठीक है मोनो क्या है मोनो क्या है तो आपको बताना है मोनो हमेशा मल्टी से कमजोर होगा और इससे कौन से कपड़े बनाए जाते हैं के कपड़े बनाए जाते हैं होजरी के कपड़े बनाए जाते हैं नायलान मैंने बताया आपको इलासिटी रेसीलेंसी दोनों को के गुण इसमें मौजूद होते हैं तो आपने होजरी का कपड़ा अगर यूज किया होगा ये बॉडी के अकॉर्डिंग क्या होता है सेट हो जाता है कोई मोटा व्यक्ति पहन रहा है तो फैल जाएगा कोई पतला व्यक्ति पहन रहा है तो उसके बॉडी के अकॉर्डिंग हो जाए क्योंकि इसमें रेशी का और इलासिटी का दोनों का गुण जो है दोनों की क्वालिटी जो है मौजूद रहती है तो इसमें क्या आ जाएगा होजरी का कपड़ा आ जाता है अगला पॉइंट देखेंगे जो मलेटी है इसमें क्या होता है मजबूती ज्यादा होती है किसके कंपेयर में तो आपको बता देना है मोनो के कंपेयर में मोनो के कंपेयर में इसमें मजबूती ज्यादा होती है मजबूती ज्यादा है अगला पॉइंट अगर हम इसमें देखें ये दो या दो से अधिक रेशो को मिलाकर बनाया जाता है दो या दो से अधिक रेशो को मिलाकर बनाया जाएगा क्या तो आपको बता देना है मल्टी और मल्टी मजबूत किससे ज्यादा है मोनो से अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो मल्टी ज्यादा मजबूत होता है मोनो जो होता है कम मजबूत होता है अगला है स्टिच वाला स्टिच में क्या होता है तो आपको बता देना है खींचने के बाद पूर्व अवस्था में आ जाता है और घुघलारा हो जाता है मतलब ये क्या होता है घुघराला हो जाता है जैसे अगर इसको हमें समझना है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका क्या है जब हम गिफ्ट लेने जाते हैं जब हम सब गिफ्ट लेने जाते हैं तो वहां पे जो हम गिफ्ट पैक करवाते हैं वहां पे दुकान पे एक फूल हमें दिया जाता है ठीक है फूल मिलता है ना कुछ इस टाइप का होता है एक फूल लगाया जाता है और यहां से ये धागे निकले होते हैं ये टेप की तरह होता है इसको क्या करते हैं दुकान वाले इसको खींच करके टेढ़ा टेढ़ा कर देते हैं मतलब ये अब ऐसे हो जाएगा इसको हम कोई धार वाली चीज लेते हैं कोई फाइबर लेंगे हम और धार वाली चीज लेते हैं उसको खींच देते हैं और खींचने के बाद जब हम छोड़ेंगे तो कैसा हो जाएगा घुघराला हो जाता है तो आपको बता देना है स्ट्रिच में यही होता है खींचने के बाद जब हम छोड़ते हैं तो रेशा कैसा मिलता है घुघरला मिलता है इसका एक एग्ज़ाम्पल और है जैसे जब हम स्वेटर बुनते हैं सब लोगों ने स्वेटर बुना होगा जब हम स्वेटर बुनते हैं और उसके बाद क्या करें हमको जो हमने स्वेटर बुना एक बार मतलब जो पुराना स्वेटर है हमारे पास हमने हाथ से बुना है उसको आप दूसरे साल में खोल के देखेंगे तो जैसे जैसे हम स्वेटर को बुने रहते हैं जो ऊन होता है ऊन का धागा उसी हिसाब से घुघरला होता चला जाता है और वो ठीक नहीं होता है सेम प्रोसेस स्ट्रेच में है बट स्ट्रेच में करना क्या है खींचने के बाद क्या हो जाए वो घुंघराला हो जाता है यही प्रोसेस कहलाता है, इस ठीक है? और इसमें जितने पॉइंट आप देख रहे हैं सारे के सारे पॉइंट में बॉडी के अकॉर्डिंग सेट हो जाएंगे क्योंकि इलासिटी और रेसिलेंसी का भरपूर गुण इन रेशों में पाया जाता है अगला पॉइंट देखेंगे टेक्चर्ड जो होता है टेक्सचर्ड का मतलब क्या होता है सतह हाँ पर चेंज करना ठीक है सतह पर बनावट पर चेंज करना कुछ ऐसे कर देना ताकि इसकी जो बनावट है वो कुछ अलग दिखने लगे जैसे रोएदार फरदार बना देना समतल मोटाई ज्यादा होती है सोल या कंबल अच्छा यहाँ पे अगर हमें एग्जाम्पल देखना हो अभी ठंड का मौसम है सबने कंबल ब्लैंकेट निकाला हुआ होगा तो आप अपना ब्लैंकेट उठा के देखेंगे तो कैसा होता है फर वाला होता है छोटे छोटे उसमें रोए निकले होते हैं तो ये क्या हो जाता है टेक्चर कहलाता ठीक है सतह में चेंज करके सतह पर बदलाव दिखाकर बदलाव दिखाया जाता है जैसे 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 फरदार जैसे आपको बता देना है स्वेटर हो गया सॉल वगैरह ये सब क्या है टेक्चर्ड कहलाते हैं टेक्चर्ड बनावट के अंतर्गत आ जाते हैं स्पन की बात करेंगे तो स्पन में क्या आता है इसमें आ जाता है छोटे छोटे रेशों को रखा जाता है ठीक है कटा हुआ रेशा इसका मतलब होता है स्पन का मतलब और इसमें क्या रखा जाता है छोटे छोटे रेशों को रखने का काम किसमें किया जाएगा स्पन में किया जाएगा समझ में आया कि नहीं आया एक बार कमेंट करके बता दीजिए सब लोग फिर आगे बढ़ते हैं कमेंट करके बताइए एक बार जी ओके okay. आगे बढ़ते हैं फिर ओके okay, समझ आना चाहिए अच्छा आपका फास्ट होता है बहुत अच्छी बात है फास्ट भी रखना चाहिए है ना वैसे भी हफ्ते में एक दिन खाना नहीं खाना चाहिए ताकि हेल्थ बढ़िया रहे अब हम यहां पे देख लेते हैं नायलान वस्त्र निर्माण का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ध्यान से देखिएगा नायलान वस्त्र निर्माण का जो प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ध्यान से देखिएगा जो बच्चे पब्लिक हैं उनको दूसरी बार क्लास नहीं मिलेगी बट जो पेड बच्चे हैं उनको फिर से ये पढ़ाया जाएगा क्योंकि टेक्सटाइल अभी न्यू बैच स्टार्ट हुआ है और यहाँ से बहुत सारे अदर पॉइंट भी उनको पढ़ाए जाएंगे तो जो पेड बच्चे नहीं हैं जो पब्लिक बच्चे हैं वो और ज़्यादा ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे क्योंकि आपको यूट्यूब पर कहीं भी पूरा क्लास टेक्सटाइल का नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तो देखते हैं नायलॉन वस्त्र निर्माण का प्रोसेस क्या है कई बार आपसे अरेंज करने के लिए पूछा गया है नायलान वस्त्र निर्माण का प्रोसेस इसमें हमें पढ़ना होता है सेवन स्टेप सेवन स्टेप हमें देखना होता है पहला क्या है फर्स्ट स्टेप में क्या होता है तो आपको बताना है हेक्सा मिथिलीन डायन प्लस एडिपिक अम्ल को मिलाकर क्या बनाया जाता है नोएलान साल्ट का निर्माण किया जाता है क्या क्या मिलाकर तो आपको बताना है हेक्सा मिथिलीन हेक्सा मिथिलीन डायमीन प्लस एडपिटिक एडिपिक एसिड एसिड को मिलाकर क्या बनाते हैं तो आपको बताना है नायलॉन साल्ट का निर्माण किया जाता है नायलॉन साल्ट का निर्माण किया गया अब इसके बाद जो दूसरा स्टेप होगा फर्स्ट स्टेप में क्या है हेक्सा मिथलीन डायएमीन को लेते हैं और उसके साथ ही साथ एडिपिक एसिड को दोनों को मिक्स करते हैं जो घोल हमें मिलता है उस घोल का क्या नाम रख दिया गया नायलॉन साल्ट अगला जो पॉइंट होगा नायलॉन साल्ट जो है ये नायलॉन साल्ट को क्या करते हैं हम आकटो क्लोव में गर्म करते हैं और जो आकटो क्लोव है ये क्या है एक यंत्र होता है यंत्र का मतलब जैसे आप प्रेशर कुकर से लगा लीजिए ठीक है जैसे हम प्रेशर कुकर में भोजन पकाते हैं ठीक उसी तरह से जब हम नायलॉन का प्रोसेस देखते हैं और सेकेंड स्टेप जब आता है जब हमें नायलॉन साल्ट मिल गया और नायलॉन साल्ट हमें मिला कैसे आपको बताना है हेक्सा मिथिलिन डायमीन के साथ जब हमने एप, एपिटिक एसिड को मिलाया तो एक घोल तैयार हुआ वो घोल क्या कहलाया नायलॉन साल्ट कहलाया अब जो ये नायलॉन साल्ट है इसको हमें क्या करना है आकटोक्लोव में रख के गर्म कर लेना है ठीक है इसको हमें क्या करना है आक्टोक्लो में रख के गरम करना है और जो ये आकटोक्लो है ये कोई रासायनिक तत्व तो नहीं है ये ये कोई केमिकल नहीं है है एक यंत्र ठीक उसी तरह से समझ लीजिए जैसे क्या होता है प्रेशर कुकर हम क्या करेंगे को इसमें रख के गरम करने, करना स्टार्ट करते हैं गरम करते हैं और हमें मिलता क्या है लीनियर सुपर पॉलीमर ठीक तैयार क्या होता है लीनियर सुपर पॉलीमर सुपर पॉलीमर सुपर पॉलीमर का मतलब क्या होता है जो अड़ु है वो एक लीनियर फॉर्म में मतलब श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं जितने भी तत्व हैं वो लीनियर फॉर्म में श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं नेहा जी आज काफी आराम है ठीक है बहुत राहत है आज हाँ आज मतलब बेड से खुद उठ के बालकनी तक चल पा रहे हैं बिना सहारे के और अच्छे से मतलब थोड़ा बहुत अच्छे से भोजन वगैरह भी ले रहे हैं तो आज तबीयत में काफ़ी राहत है और उम्मीद है कि कल तक बहुत अच्छे हो जाएं आज टहल रहे हैं सबसे बड़ी बात ये है नहीं तो बेड से खुद उठाना पड़ता था उठा के सारा काम करवाना पड़ता था खुद से बेड से उठ के एक कदम भी नहीं चल पा रहे थे और आज खुद से उठ के बालकनी तक टहलने गए वहां पे चेयर लगा के खुद बैठे तो बहुत अच्छा लगा ठीक है यहां तक समझ आया लीनियर सुपर पॉलीमर अगला पॉइंट हम देखेंगे तीसरा स्टेप अगर हम देखें तो तीसरे स्टेप में क्या आएगा तीसरे स्टेप में लीनियर सुपर पॉलीमर जो हमें मिला है जो अणु हमें मिले हैं एक श्रृंखला में तैयार अणु मिले हैं इनको क्या करना है ये जो लीनियर सुपर पॉलीमर है इनको क्या करना है आपको बता देना है कास्टिक चक्के से गुजारना है ठीक है कास्टिक चक्के से गुजारना है चक्के से क्या करना हमें गुजारना है और जब हम यहां से लिनियर सुपर पॉलीमर को कास्टिक चक्के से गुजारते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है नॉयलान का रिबन प्राप्त होता है नॉयलान रिबन प्राप्त होता है हमें ये देख लीजिए क्वेश्चन कई बार रिपीटेड फॉर्म में पूछा गया है हाँ नेहा जी अभी यहीं पर है हाँ क्या ना जी आप सब लोगों ने कहा था कि बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और माता रानी की कृपा से बहुत जल्द बहुत हद तक अच्छे हो गए हैं बीच में एक दिन तो कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी बट अभी माता रानी की कृपा से आप लोगों आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे तो आप लोगों को भी मैं थैंक यू बोलूँगी देवरानी जी यहीं पर हैं अभी ठीक है आगे बढ़े

पूछा गया है यूजीसी नेट में ठीक है चौथा जो पॉइंट है इसमें क्या होगा नायलान का जो रिबन है ये जो नायलान का रिबन है इसे हमें क्या करना है इसके साथ ठंडा पानी रखते हैं ठीक है ठंडे पानी के साथ इसको रखते हैं तो ये क्या हो जाता है रिबन जो है वो जम जाता है ठीक है रिबन का जमना यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मतलब रिबन क्या हो जाएगा यहाँ पे जम जाएगा जब हमें का हमने लीनियर सुपर पॉलीमर को कास्टिक चक्के से गुजारा तो जो नायलॉन था वो रिबन के रूप में हो गया अब रिबन के साथ हमें क्या करना है ठंडा पानी रखना है और इससे क्या हो जाएगा जो जो रिबन हमें प्राप्त हुआ था गरम था वो क्या हो जाएगा ठंडा होने की वजह से ये जमने लग जाता है क्या बताना है क्लियर नहीं दिख रहा है आप प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है आप अपने मोबाइल की क्वालिटी एक बार बढ़ा लीजिए अभी मैं फिर से रिपीट कर दूंगी आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो फिर से मैं रिपीट करूंगी और पांचवा जो पॉइंट हमें यहाँ पे देखना है वो क्या है जो जमा हुआ रिबन हमें प्राप्त हुआ है जमा हुआ जो हमें रिबन प्राप्त हुआ है इसे हमें क्या करना है काटना है कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में हमें काट देना है और जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में क्या काट देते हैं तो यह क्या कहलाता है नायलॉन फ्लैक्स कहलाता है और यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नायलॉन फ्लैक्स को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है आपको बता देना है जो न जमा रिबन होता है उसको जब हम छोटे छोटे फार्म में कट कर देते हैं तो वही क्या कहलाता है नायलॉन फ्लैक्स कहलाता है अब क्या करना है यहाँ पे जो छठा पॉइंट होगा ये क्या होगा जो फ्लेक्स है इसे हमें पिघलाना है है ठीक अब हमें क्या करना है जो हमें फ्लैक्स प्राप्त हुए हैं इस फ्लैक्स को हमें क्या करना है पिघलाना है और पिघलाकर क्या बना देना है घोल के रूप में बना देना है जब हम इसे पिघलाएंगे पिघलने के बाद ये क्या बन जाएगा गाढ़ा घोल तैयार हो जाता है गाढ़ा घोल तैयार हो जाता है और यही जो गाढ़ा घोल है इसे हमें क्या करना है स्पिन रेट के छिद्रों से गुजारना है गाढ़े घोल को हम क्या करते हैं स्पिन रेट रहता है स्पिन रेट क्या है अभी इस पॉइंट पर भी डिस्कस करते हैं यहाँ से गुजारते हैं और जब यहाँ से हम इसे गुजारते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है नायलान का धागा प्राप्त होता है है ठीक है ये क्या हो जाएगा नायलान का धागा मिल जाएगा बट यहाँ पर जो लास्ट प्रोसेस है वो क्या है जो सातवां पॉइंट है वो हमें देखना है सातवें पॉइंट में जो नायलान का धागा होता है अब हमें नायलान का धागा प्राप्त हो गया नायलान के धागे को क्या करना है मशीन से ठीक है यहाँ पे नायलान के धागे को मशीन से सात से आठ गुना तक खींचने का काम किया जाता है और यह क्वेश्चन पूछा गया था कि किस धागे को सात से आठ गुना तक खींच कर बढ़ाया जाता है तो आपको क्या बताना था नायलान को बनाना बताना था और यह क्या है सबसे लास्ट स्टेप है सेवन स्टेप पे रखा गया है जिससे हमें क्या मिलता है सूक्ष्म बारीक लचीला नायलान का धागा मिल जाता है इसके बाद हमें क्या मिलेगा सूक्ष्म बारीक लचीला नायलान का धागा प्राप्त हो जाएगा किसी को कहीं पे कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए फिर से मैं बताऊंगी ठीक है फिर से अभी मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगी आप लोग परेशान मत हो जी अच्छा नहीं दिख रहा है अभी मैं देख ली ठीक है तो अभी मैं फिर से रिपीट कर देती हूं आपको दिखने लग जाएगा यहां पे मैंने क्या लिखा है केवल लिखा है यहां पे थोड़ा सा चेंज कर दू मैं ताकि आप लोगों को दिखने लग जाए ठीक है छठा पॉइंट शशिकांत जी यूपी टेट प, पेपर ठीक यहाँ पे छठा पॉइंट आप देखेंगे ये जो फ्लैक्स हमें प्राप्त हुआ था फ्लैक्स को हमें क्या करना है पिघलाना है ठीक है पिघलाना है और पिघलाकर हमें क्या करना है गाढ़ा घोल तैयार करने लेना है गाढ़ा घोल तैयार हो जाएगा तो इसी घोल को हम स्पिन डेट से गुजार देंगे जिससे हमें नायलॉन का धागा मिल जाता है रिपीट जीन कंचन जी सिक्स स्टेप नहीं मैं फर्स्ट स्टेप से ही रिपीट कर रही हूँ एक बार आप लोग खूब अच्छे से माइंड को फ्रेश कर लीजिए और पूरा का पूरा फोकस यहाँ पर कर लीजिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरी बात मानिए पूरा यूट्यूब पे आप ढूँढ डालिए आपको होम साइंस की ऐसी क्लास पब्लिक क्लास तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी आप लोग ढूंढ के देख लीजिए चलो स्टार्ट करते हैं तैयार हो गए हो एक बार आप लोग अपने अपने हाथ खड़े कर दीजिए जल्दी से तैयार हो कि नहीं तैयार हो फिर हम स्टार्ट करते हैं स्टेप को देखना और अभी जब मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी आप लोग आप लोगों से अगर आपने अच्छे से समझा होगा तभी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं अगर आप अच्छे से नहीं समझे होंगे तो कभी भी यहां का क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं जल्दी से बताइए ओके चलो स्टार्ट करते हैं फिर यहां पे फर्स्ट स्टेप है ठीक है हम देख क्या रहे हैं तो आपको बताना है जो नायलान है नायलान से वस्त्र निर्माण या फिर धागा कैसे बनाया जाता है केमिकल का यूज कैसे किया जाता है कहां पर गर्म करना है कहां पर ठंडा करना है रिवन कैसे तैयार किया गया है फ्लैक्स कैसे बना है गाढ़ा घोल कैसे बना कैसे स्पिन रेश से गुजारा गया कहां पर साठ से आठ गुना इसे खींचकर लंबा किया गया सारी चीजों को हम देखेंगे एक बार फिर से रिपीट करते हैं पहले तो हमें क्या कर लेना है रॉ मटेरियल नायलान का पूछा जाए ना तो आपको क्या बताना है हेक्सा मिथिलिन डायमिन प्लस एडिपिक एसिड यही क्या है रॉ मटेरियल है जिससे निर्माण किया जाता है नॉयलान के धागे का

स्टार्ट करना है तो सा, नायलॉन साल्ट जो है इसे हम ऑटोक्लोव में रखकर गर्म करते हैं ये जो ऑटोक्लोव है ना ये क्या है तो आपको बता देना ऑटोक्लोव कोई रासायनिक तत्व नहीं है कोई केमिकल नहीं है ये है क्या तो ये कि यंत्र है और यंत्र इसको समझने के लिए आप ठीक तरह ठीक ऐसे ही समझ लीजिए जैसे हमारे पास प्रेशर कुकर होता है हम उसमें भोजन बनाते हैं ठीक उसी तरह से नायलॉन साल्ट को ऑटोक्लोव में रख के हमें गर्म करना है तो है क्या यह है ठीक वैसा यंत्र जैसे प्रेशर कुकर होता है और जब हम नायलॉन साल्ट को गर्म कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है लीनियर सुपर पॉलीमर मिल जाता है लीनियर सुपर पॉलीमर की अगर हम बात करें ठीक है लीनियर सुपर पॉलीमर की अगर हम बात करें लीनियर सुपर पॉलीमर है क्या तो आपको बताना है नायलान के जो तत्व हैं जो अड़ हैं वो एक श्रृंखला में तैयार हो जाते हैं एक श्रृंखला में सट जाते हैं या फिर जुड़ जाते हैं वही प्रोसेस लीनियर सुपर पॉलीमर कहलाता है अब जब लीनियर सुपर पॉलीमर हमें प्राप्त हो गया तो हमें क्या करना है थर्ड स्टेप में आ जाते हैं लीनियर सुपर पॉलीमर को क्या करना है कास्टिक चक्के से गुजारना है और जब हम लीनियर सुपर पॉलीमर को कास्टिक चक्के से गुजारते हैं तो हमें क्या मिलता है नायलॉन रिबन मिल जाता है ठीक है हमें क्या मिल जाता है नायलॉन का रिबन मिल जाता है अब जब हमें नायलॉन रिबन मिल गया अब हमें क्या करना है नायलॉन रिबन को हमें ठंडा कर लेना है किसके साथ पानी के साथ और जब हम नायलॉन रिबन को ठंडा पानी के साथ रख देते हैं मिलाकर तो ये क्या करता है जो रिबन होता है वो कैसा हो जाता है जम जाता है अब जब रिबन जमा हुआ रिबन हमें प्राप्त हो गया तो हमें क्या करना है इस जमे हुए रिबन को छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे पीसेस में कट है, तो आपको बता देना है पांचवें नंबर का स्टेप जो है वो हमें क्या देता है नायलॉन फ्लैक्स देता है और नायलॉन फ्लैक्स हमें मिलता कहां से है जो नायलॉन का रिबन है जब हम उसे ठंडे पानी के साथ ठंडा करते हैं तो जब वो जम जाता है तो वही रिबन जमा हुआ रिबन को हम छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं जिसे हमने नाम क्या दे दिया नायलॉन फ्लेक्स का छठा नंबर जो है यहां पे ज्यादा कंफ्यूजन था यहां पे आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा ये जो नायलॉन्ड फ्लैक्स हमें मिला है इसे हमें क्या करना है फिर से गरम कर देना है और गरम करके इसे पिघला देना है जब ये पिघलेगा तो किस में बदलेगा गाढ़े घोल में बदल जाता है और जब ये गाढ़े घोल में बदल जाता है तो हमें इसे स्पिन रेट से गुजारते हैं स्पिन रेट क्या होता है तो आपको बताना है जैसे हमारे बाथरूम का शावर होता है ना ठीक उसी तरह से स्पिन रेट होता है ठीक है जैसे शावर होता है यहां से पानी निकलता है बूंद बूंद करके ठीक इसी तरह से स्पिन रेट होता है और स्पिन रेट में जब हम घोल को डालते हैं तो यहां से हमें जो मिलता है वो क्या होता है का धागा हमें मिल, जाता है. जब का धागा यहां से मिल जाएगा तो उसके बाद जो लास्ट का स्टेप है वो क्या है नायलान के धागे जो हमें मिले हैं उस धागे को हम क्या करते हैं मशीन पर सेट करते हैं और मशीन पर सेट करने के बाद उसे सात से आठ गुना तक कर पतला महीन लचीला बनाया जाता है और यहीं से हमें बारीक सूक्ष्म लचीला नायलान का धागा प्राप्त तो हो जाता है क्लियर ना अब क्लियर हो गया एक बार जल्दी जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए फिर आगे बढ़े ओके okay, क्लियर हुआ आगे बढ़े रहे हैं आप आगे बढ़ेंगे अब आपको सिर्फ भौतिक विशेषता और रासायनिक विशेषता देखना है तो भौतिक और रासायनिक विशेषता को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे हम एक क्वेश्चन को देखेंगे ठीक है भौतिक विशेषता और रासायनिक विशेषता को यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे अगर आप में से कोई भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है क्लास को तो क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर कॉल या मैसेज करना होगा जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए आप लोग क्लास को क्योंकि न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है और न्यू बैच से जुड़ जाएंगे ठीक है चलिए एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं यहां पे आपको स्टेप अरेंज करने के लिए यहां से क्वेश्चन पूछा गया है जरा बताइए तो किसके बाद कौन सा आएगा पहला दिया गया है पोलियमराइजेशन प्रोसेस दूसरा यहां पे दिया गया है फॉर्मेशन ऑफ चिप्स तीसरा दिया गया है स्पिनिंग ऑफ फाइबर चौथा दिया गया है ड्राविंग आउट ऑफ द फाइबर पांचवा दिया है यहां पर गिलास्टिंग ऑफ यार्न और छठा नंबर दिया गया है लोम्ब्रिकेशन एंड क्रीम लुम्ब्रिकेशन एंड क्रीम दिया गया है अब यहां पे मैं दे देती हूं कोड आप लोगों को कोड देखना है पहला कोड है दूसरा दिया गया है तीसरा दिया गया है और चौथा दिया गया है यहां पे बताइए कौन सा करेक्ट होगा जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए बी अच्छा जी नेहा जी बिल्कुल सही आप बोल रही हैं अगर हम अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसमें हमें हंड्रेड परसेंट नॉलेज होना चाहिए उस विषय विशे का विशेषज्ञ हमें बनना है और अगर आप सिर्फ अपने सब्जेक्ट पर ही फोकस करते हो तब भी आप कभी लाइफ में पीछे नहीं रह सकते हो तो जो भी चीज़ पढ़ो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ो अगर एक सब्जेक्ट पढ़ना है तो एक सब्जेक्ट पढ़ो बट इतने अच्छे से पढ़ो कि कहीं से कोई भी क्वेश्चन आए तो उसे सॉल्व कर ले जाए ठीक है जूली जी का सी है नेहा का टू है कंचन जी का टू है जल्दी जल्दी से आंसर बताते चलिए और सब बताओ अभी मैंने समझाया है टू यहां पे देख लीजिए जिन्होंने भी टू बोला है उनका करेक्ट है ठीक है क्या होता है पहले पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होता है आप सबको पता है पहले क्या होता है पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होता है दूसरा फॉर्मेशन ऑफ आप, चिप्स आपको पता है फॉर्मेशन ऑफ चिप्स का मतलब क्या होता है जो रिबन है रिबन को हमें क्या करना है ठंडा करके कट कर लेते हैं तो वही क्या कहलाता है चिप्स कहलाता है स्पिनिंग ऑफ फाइबर अपने सब्जेक्ट में बहुत सारा है जी बिल्कुल डिलस्टिंग ड्राइविंग आउट ऑफ द फाइबर मतलब रेशे की खिंचाई करना डिलस्टिंग ऑफ यार्न या डिलस्टिंग ऑफ यार्न का मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए ये जो नायलॉन का फाइबर है ना इसमें चमक बहुत ज़्यादा होती है और ये चमक हमारे आँखों को अच्छी नहीं लगती है तो इस चमक को कम करने के लिए एक प्रोसेस किया जाता है जिसका नाम क्या है डिलस्टिंग प्रोसेस है इस पॉइंट को आप ध्यान देना ठीक है ये जो डिलस्टिंग प्रोसेस है इसमें जो नायलान के फाइबर की चमक है उस चमक को मंद करने के लिए ये प्रोसेस किया गया है लुम्ब्रिकेशन एंड क्रिम लुम्ब्रिकेशन का मतलब क्या होता है घुमावदार और क्रिम का मतलब क्या होता है घुघराला बनाना ओके okay? ऑप्शन नहीं देखा कोई बात नहीं है क्लियर होना चाहिए ओके okay, फ्रेंड्स तो आज के लिए बस इतना ही मुझे नहीं लगता है कि मैनेजमेंट से क्लास ले पाऊंगी तो आज के लिए बस इतना ही हमें भौतिक विशेषता रासायनिक विशेषता इसके अदर पॉइंट को अगर देखना है तो न्यू बेस स्टार्ट हुआ है आप लोगों को अगर आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं इंटरेस्टेड हैं आप लोग क्लास से तो ज्वाइन कर सकते हैं बहुत कम फी में बहुत बेहतर क्लास दी जा रही है साथ ही साथ आपको पी भी दिया जा रहा है ठीक है ओके okay फ्रेंड्स और अभी आप लोगों को पेड़ बच्चों को लिनन का पीडीएफ नहीं मिला है तो आज नाइट में मैं लिनन का पीडीएफ भी आपके पास सेंड कर दूंगी आप लोग एक बार जरूर देख लेना ओके थैंक यू मिलते हैं कल की क्लास में